एएचएन न्यूज़ खबर दुनिया भर से। नलगुंडा में शरपसंद अनासिर का हंगामा, वक्फ जमीन पर मंदिर बनाने की नाकाम कोशिश, मौलाना एहसानुद्दीन का पुलिस से बरवक्त राब्ता, अमजदुल्ला खान खालिद ने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के नारकेटपल्ली में इतवार की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कुछ शरपसंद अनासिर का हजूम एक खुले प्लाट पर जमा होकर माबिना तौर पर हनुमान मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तकरीबन 3000 गज पर मुश्तमिल ये ज़मीन वक्फ अर्जी है, जिसके तहत एक मस्जिद है जो वक्फ जायदाद के तौर पर रजिस्टर है। इत्तला के मुताबिक हंगामे के वक्त कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। इन्होंने मौलाना एहसानुद्दीन सदर जमायत उलमा नलगुंडा से राब्ता किया, जिसके बाद मौलाना एहसानुद्दीन और मुफ्ती सिद्दीक ने नलगुंडा एसपी दीप्ति को इस वाक़े की इतला दी। इन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स को मौके पर रवाना किया। बाद मस्जिद में नमाजियों की दूसरे रास्ते से बाहर कर लाया गया। पुलिस के मुताबिक राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर कुछ तंजीमों से वाबस्ता अफराद मस्जिद के करीब मुकाम पर कैंप लगाकर मिठाई तकसीम करना चाहते थे, ताहम हसास मुकाम होने की वजह से उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद इन्होंने धरना दिया। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से मुंतशिर कर दिया। वहीं मजलिस बचाओ तहरीक MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने वाकये की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कहा कि BJP, RSS, VHP और बजरंग दल के गुंडे अनासिर माहौल को ख़राब करना चाहते थे ताकि कांग्रेस हुकूमत को बदनाम किया जा सके। इन्होंने शरपसंदों पर फिरका वाराना फसाद भड़काने की कोशिश करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। अमजदुल्ला खान खालिद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस तरह के वाक़ियात पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अमजदुल्ला खान ने मस्जिद सराय मीर जा रहे थे कि इन्हें रास्ते में चिटियाल के करीब रोक लिया गया। एक और इतला के मुताबिक आज पुलिस के आला हाकिम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। पूरे 200 लोगों के ऊपर FIR इश्यू होना चाहिए। उमन ऐसा होता है कि ऐसे शरपसंद आना वाकयात के ऊपर एक या दो तीन आदमी पे FIR करके उसको क्लोज कर देते हैं। आई एम स्ट्रिक्टली हम इस मामले में नलगुंडा SP का जो इनएक्शन है, इनएक्शन ऑफ नलगुंडा SP, इनएक्शन ऑफ नलगुंडा DSP, इनएक्शन ऑफ DGP तेलंगाना। क्यों भाई, कल रात से वाकया पेश आ रहा, अभी तक भी वहाँ गड़बड़ चल रही, आप लोग क्या क्यों खामोश बैठे हुए? क्या उनका गुस्सा ठंडा होने को देख रहे हैं? क्या मुसलमानों का गुस्सा बढ़ा तो जब आप लोग एक्शन में आते, क्या बताइए आप? तो इंशाल्लाह मैं नारकेटपल्ली का भी दौरा करूंगा और नलगुंडे का भी, हम जाएंगे वहाँ पर स्पॉट पे जाके हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। और इस दरमियान मैं अभी जो जो भी जिम्मेदार है कांग्रेस को, उनको मैं इतला किया हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की जा रही है कुछ ना कुछ अरसे से। इस साजिश को आप दबाइए, सख्ती से दबाइए। रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है और कांग्रेस के जो भी जिम्मेदार है, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब वहाँ के MP थे, अब वो तो रिज़ाइन करके MLA बन गए, मिनिस्टर बन गए। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा उत्तम कुमार रेड्डी साहब से कि आप जाइए वहाँ पर, मुसलमानों में कॉन्फिडेंस डालिए और ये बाउंड्री वाल उठाने की कोशिश करिए, वरना छोटे मोटे हालात जाकर जो है तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब, तेलंगाना की जो भी वो ख़राब होने के इम्कान है, कम्युनल राइट्स होने के इम्कान है। मजलिस बचाओ तहरीक, मस्जिद सराय मीर, नारकेटपल्ली, नलगुंडे के ऊपर जो वाकया पेश आ रहा है शरपसंद अनासिर की तरफ से पूजा करके जो मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी सख्ती से निंदा करती है। वेरी हार्ड स्टेटमेंट कि हम इसके ऊपर सख्ती से निंदा करते हैं। और तमाम जिम्मेदारों का, कांग्रेस के इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, हमारी जो मोहतरमा यहाँ पर प्रिया रंजन, हमारे जो भी इंचार्ज है तेलंगाना के कांग्रेस के, उनसे भी मेरा मुतालबा है कि इसका सख्ती से नोट लेते हुए जल्द से जल्द इस ज़मीन को खाली कराना चाहिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाय। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।